पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 464। मेरे जीवन के जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी, जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी, मेरे तन मन धन सब तुम, मैं सर्वस तुम परवारी, मेरे तन मन धन सब तुम, मैं सर्वस तुम परवारी, मेरे प्राणों के स्पंदन मैं कभी न तुमसे न्यारे, मेरे तुम मादक मधु हो, मैंने तेरहूँ मतवारी, मैंने तेरा हूँ मतवारी, मेरे तुम फूल कमल हो, मैं रस मधु करे तुम्हारे, तमाल तरु हो तुम, मैं कनक लता रसधारी, मेरे तमाल तरु हो तुम, मैं कनक लता रसधारी, मेरे तुम चंद्र कला धर, मैं हूँ कुमुदिनी बनवारी, मेरे प्रीतम तुम जलधर, मैं त्रशित चात की भारी, मैं त्रशित चात की भारी, मेरे में घुले मिले तुम, मैं नित मिले गिरधारी, मैंने ते मिले गिरधारी, मेरे तुम हो प्रेमास्पद, मैंने ते तुम्हारी प्यारी, मेरे तुम हो प्रेमास्पद, मैंने ते के जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी, मेरे जीवन के तुम पर नित बलिहारी, मेरे तन मन धन सब तुम, मैं सर्वस तुम परवारी, धन मन धन सब तुम, मैं सर्वस तुम परवारी।
राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी का विचार, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। हम सुन रहे थे भाई जी के द्वारा एक प्रवचन में, अपने परमार्थ के साधन में आने वाले 8 विघ्न। 8 में से हम कुछ सुन चुके थे, पहले 8 को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। भक्त की साधना में आने वाले 8 विघ्न कौन कौन से होते हैं? पहला विघ्न होता है आलस्य। पहला विघ्न आलस्य। दूसरा विलासिता। दूसरा विलासिता। पहला आलस्य, दूसरा विलासिता, तीसरा प्रसिद्धि, चौथा मान बढ़ाई, पांचवा गुरुपन और छठा है बाहरी दिखावा। गुरुपन, गुरु बन जाना जबरदस्ती, छठा है बाहरी दिखावा, सातवां है पर दोष चिंतन और आठवां है सांसारिक कार्यों की अधिकता। भैया आगे आ जाओ, तुम सब लोग बाबा बात करते रहेंगे आप लोगों से, आप आगे आ जाओ थोड़े थोड़े। पार्थ प्रभु आप आगे आओ थोड़ा थोड़ा। नीलकंठ प्रभु आप ये जो चौकड़ी बैठी है ना, बाबा को छोड़ के, बाबा को छोड़ के जो चौकड़ी बैठी है, आगे आ जाओ। पार्थ प्रभु आप इधर आ जाओ कोने पे इधर। नीलकंठ प्रभु आप इस कोने पे आ जाओ। गौरंग आप आगे आ जाओ। गौरव भैया आप भी आगे आ जाओ, इस बच्चे के पीछे, इस बच्चे के पीछे आ जाओ। नहीं नहीं यहीं आ जाओ, कोई नहीं, कमर एक दिन में कमर खराब नहीं होगी, आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ गोरखपुर आप भी थोड़ा आगे आ जाओ, ज़्यादा गैप हो गया आप में और मुझ में। देखो नाराज मत हो ना, मैं इसलिए बोलता हूँ सत्संग ध्यान से सुना जाए, क्योंकि बिल्ली मरी रहती है, ऊँट मर जाता है। एक तो हम बहुत कम आ पाते हैं, ऊपर से फिर आ कर के गप्पे मार रहे, फिर वो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं बुरा तो लगता हूँ कहता हुआ, लेकिन भैया ने कहा है कि सत्संग बोलने वाले को जीवन में बुरा बनना ही पड़ता है। मैंने कहा ठीक है भैया, तो नाराज मत हो ना, क्षमा मांगता हूँ आप सबसे। भजन साधन में आने वाले 8 विघ्न कौन कौन से हैं? आलस्य, विलासिता, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई और गुरुपन, बाहरी दिखावा, विषय चिंतन नहीं पर दोष चिंतन, और आठवां है सांसारिक कार्यों की अधिकता। तो हमने अभी तक गुरुपन तक सुन लिया है, आज सुनेंगे बाहरी दिखावा, पर दोष चिंतन और एक है सांसारिक कार्यों की अत्यंत अधिकता। बाहरी दिखावा, भाई जी कहते हैं साधन में दिखावे की भावना बहुत बुरी है, करना कम दिखाना ज्यादा, है ना? कोई आ जाए तो आंख घुमा ली ऊपर की तरफ, जैसे मतलब उसी लोक का ही चिंतन करते रहते हैं जैसे, है ना? तो बहुत बुरी है दिखावे की भावना। जितना करें उतना ही दिखा दें वही बहुत है, जितना करें उतना ही दिखें। असल में दिखाने का भाव होना ही नहीं चाहिए कि हम इतना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो जितना हो जाए उतना बहुत है भैया। वस्त्र, भोजन और आश्रम आदि बातों में मनुष्य पहले तो संयम के भाव से कार्य करता है, परंतु पीछे उसमें प्रायः दिखावे का भाव आ जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा सुंदर आश्रम बने जिसे देखते ही लोग मनमोहित हो जाएं, लोग मनमोहित हो जाएं।
भोजन में इतनी सादगी हो कि देखते ही लोग आकर्षित हो जाएं, वस्त्र इस ढंग से पहने जाएं कि लोगों के मन उनको देखकर खिंच जाएं, उनको देखकर। मैंने एक साधक को सुना 20,000 के कपड़े लाया। मैं कहा 20,000 के कपड़े 20 साल के लिए लाया क्या भाई? 20,000 के कपड़े एक महीने के हो जाते हैं। 5,000 की तो पैंट ही आती है आजकल, वो फटी वाली जो होती है। हो सकता है 2 पैंट 2 शर्ट लाए हो तो पता नहीं किनसे कैसे खर्च कर रहा है भाई, है ना। तो भाई जी ने बोला अधिक खर्चालू जीवन नहीं होना चाहिए साधक का, जबरदस्ती का खर्चा। उसने 2 जींस पहने तो मैं 4 पहनूंगा। अरे एक टाइम पे तो एक ही पहनेगा वो बंदा, विचार करना चाहिए। भाई जी कहते हैं साफ सुथरे कपड़े हों, नहाया धोया व्यक्तित्व रहे, साफ सुथरे कपड़े पहने, इतना बहुत होता है साधक के लिए। अब जबरदस्ती का दिखावा, मैं तो बस कोट छिला हुआ ही पहनूंगा, उस पर गोटा लगा ही होगा तो चमकी दिखेगी, तब लोग मुझ में देखेंगे मुझे। तो ये आकर्षण करने का भाव दिखावा होता है। तो जितना साफ सफाई से कपड़ा पहना जाए उतना ही बहुत होता है। तो दिखावे का भावना कि लोग मेरी तरफ खींच जाएं। एक शिकारी आएगा फिर वो दाना डालेगा, तुम दाने को मत चुगना मत चुगना मत चुगना, नहीं तो पकड़े जाओगे। ये लोग दाना डालते हैं, दाना। आप जितना सुंदर बन के आओगे ना उतना आपकी ओर आकर्षित होंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका पतन हो जाएगा। इसलिए साधक को बच के रहना चाहिए दिखावे से। ऐसे कपड़े ना पहने, इस ढंग से ना पहने कि लोग खिंच जाएं। भाई जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं आप लोग मुझ पे आक्षेप लगाएं फिर कि अंगद जी ने कहा थे महंगे कपड़े नहीं खरीदने, अंगद जी ने बोला था। मैं नहीं, भाई जी बोल रहे हैं ऐसा कपड़ा ना पहना जिसे लोग खींचें। यद्यपि यह दिखावटी भाव सुंदर और असुंदर दोनों ही प्रकार के चाल चलन और वेशभूषा में रह सकता है। बढ़िया कपड़े पहनने वाले में स्वाभाविकता हो सकती है, और मोटा खद्दर या गेरवा या अथवा बिगाड़ कर कपड़े पहनने वाले में दिखावे का भाव रह सकता है। कई लोग तो त्याग के भाव से जानबूझ के फटा कपड़ा त्यागी हैं जी हम, और भीतर से मन कर रहा है बगलबंदी पहन लूँ, भीतर से मन है बगलबंदी पहन लूँ, और बाहर से फटा हुआ पहन रखा जो कोई दे ही दे गिफ्ट में। तो दिखावा दोनों तरफ हो सकता है, बढ़िया कपड़े पहनने वाले में भी हो सकता है और खराब कपड़े पहनने वाले में भी हो सकता है दिखावा। अधिक सुंदर दिखाने की भावना ही रहती है। यद्यपि लोक में जो फैशन सुंदर समझी जाती है उसी का अनुकरण करने की चेष्टा प्रायः हुआ करती है। अंदर सच्चाई होने पर भी दिखावे की चेष्टा साधक को गिरा ही देती है, अतएव इससे सदा साधक को बचना चाहिए। तो ये हो गया दिखावटीपन, दिखावा करना, बाहरी दिखावा। सातवां है परदोष चिंतन। यह भी साधन मार्ग का एक बड़ा भारी विघ्न भी है। साधक सबकी पंचायती कर सकता है पर अपनी पंचायती करते वक्त छुप जाता है, अपना दोष किसी को नहीं बताना चाहता और दूसरे का दोष प्रकट कर देना चाहता है सबके सामने कि भैया ये फलाना ऐसा है। तो भाई जी कहते हैं जो मनुष्य दूसरों के दोषों का चिंतन करता है वह भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। उसके चित्त में सदा द्वेष की अग्नि जला करती है, उसकी जहां नजर जाती है उसे दोष दिखाई देते हैं। दोषदर्शी सर्वत्र भगवान को कैसे देखेगा भैया? इसी कारण से जहां तहां हर किसी की निंदा कर बैठता है, पर निंदा साधन पथ के बहुत गहरे गड्ढे हैं, जो इनमें गिर पड़ता है वह सहज ही नहीं उठ सकता, बड़ी मुश्किल से उठ पाता है, उसका सारा भजन साधन छूट जाता है। अतः साधक को अपने दोष देखने तथा अपनी सच्ची निंदा करनी चाहिए। जगत की ओर से उदासीन रहना ही उसके लिए श्रेष्ठ है, जगत की ओर से उदासीन हो जाए। आखिरी है सांसारिक कार्यों की अधिकता, ये बहुत ज़्यादा होता है। मुझे तो बहुत काम है जी, बहुत काम है मेरे पास,
इतना काम है कि मेरे पास काम ही काम है, कामदेव पे इतना काम नहीं है जितना काम मुझ पर है। भाई जी कहते हैं सांसारिक कार्यों की अधिकता के लिए मनुष्य को घर के, संसार के, आजीविका के, यहाँ तक कि परोपकार तक के कार्य उसी हद तक करने चाहिए जिसमें विश्राम करने तथा दूसरी आवश्यक बातें सोचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। अब अंदर भारी खड़ा है, दिन भर पानी ही बांट रहा है, कोई आ ही नहीं रहा, खड़ा है बस मटका लेके। ये भी निष्ठा बहुत बड़ी बात है, खड़ा नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ मोबाइल चला लेगा, आजकल तो टाइम पास करने बहुत जरूरी है, वो सेवा भी नहीं कर पाता है। तो भाई जी कह रहे इतनी अधिकता ना बढ़ाएं किसी कार्य की कि आपका भजन छूट जाए। अब रोज जा रहे हैं भक्त बनाने के लिए, शिव चौक पे खड़े जी मैं भक्त बना रहा हूँ, यहाँ कीर्तन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, वो भक्त बना रहा किसे पता नहीं। जो मनुष्य सुबह से लेकर रात को सोने तक काम में ही लगे रहते हैं, उनको जब विश्राम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती, तब घंटे दो घंटे स्वाध्याय और भजन का कहाँ से निकालेगा, कहाँ से निकाल। कई कार्य तो जबरदस्ती होते हैं, कई कार्य, भाई जी कहते तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भजन ना कर सके, उसे आराम से समय मिल सकता है, पर ना करने वाले का कोई उपाय नहीं है। बाबा कह देते हैं, पूज्य राधा बाबा कहते हैं जो नहीं करना चाहता उसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है, भैया हाथ जुड़वा लो। तो भैया घंटे दो घंटे का स्वाध्याय करने अथवा मन लगाकर भगवत चिंतन करने को तो अवकाश मिलना संभव ही कैसे हो सकता है। उनका सारा दिन हाय हाय करके ही बीतता है, हाय समय नहीं है, हाय समय नहीं है, हाय समय नहीं है, इतना काम है, इतना काम है, शरीर टूट गया मेरा, हाँ रोटी खाने में नहीं टूट रहा है, सब काम कर रहे सब कामों में नहीं टूट रहा, बस भजन करने समय शरीर टूट गया था, मैं गिर गया था और आंख लग गई थी, बेड पे गिर गया था और लग गई थी आंख। तो सब सब बातों के लिए समय है साधक के पास, मुश्किल से नहाने और खाने का समय मिलता है जी, नहाने और खाने का ही समय मुश्किल, भजन माला ले जाना अंगद जी मेरे से हो नहीं रही, किताबें मैंने खरीदी ही नहीं कभी, इशू कराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हो जाता है ऐसा ही। वे उन्हीं कामों की चिंता करते करते सो जाते हैं जिससे स्वप्न में भी उन्हें वैसी ही सृष्टि में विचरण करना पड़ता है, पूरा दिन इतना काम रहता है कि स्वप्न में भी काम ही याद आते रहते हैं, ओहो वो DLL डालनी थी प्रोडक्शन पे, ओह वो काम करना था, ओहो वो प्रोजेक्ट रह गया अधूरा। तो स्वप्न में भी वैसी सृष्टि चलती है उसके, दान के परोपकार के लिए भी धन संग्रह करने वालों की मानसिक दयनीय दुर्दशा के दृश्य प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, फिर भोगों के लिए अर्थ संचय करने वालों के दुख भोगने में तो आश्चर्य ही क्या है, परंतु धन संचय किया जाए तो भी इतना काम तो कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। भाई धन इकट्ठा करने के लिए करता है, जीविका चलानी है, अब वो जीविका ही चला रहा है, बंदा घर नहीं आ रहा है, पत्नी खुश है, तुसी बस पैसे भेजते रहो, अकाउंट में क्रेडिट होते रहे, मैं अपने आप कर लूंगी सारा मैनेज, बच्चों को पढ़ा भी लूंगी, सब कर लूंगा, आप बस पैसे भेजते रहे, आपकी भी जरूरत नहीं है प्रभु, घर आपने दे दिया, प्रभु जी घर घर आपने दे दिया। अरे आदमी की मानसिक दशा भी समझो, वो बेचारा भजन करना चाहता है, पत्नी बस इस बात पे जोर लगाई रहती है, पैसे कमा के लाओ, पैसे कमा के लाओ, मेरा बॉस मुझे 7:30 बजे देखता है ना रोकने, पूज्य भैया आगे हरी बोल, पूज्य भैया आगे।